एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, हम लोग ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं। तो ग्रेविटेशन क्या होता है? फिनोमेना ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडी ऑफ द यूनिवर्स। ओके, एंड ये दो बॉडी कोई भी आप कंसीडर कर सकते हो, कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, किसी भी दो बॉडी को, एक बॉडी अर्थ पे कंसीडर करो, एक बॉडी आप क्या करो सैटर्न पे स्टार पे कंसीडर करो, या फिर वो बॉडी अर्थ पे ही कंसीडर करो, दूसरे दो बॉडी अर्थ पे ही कंसीडर करो, या फिर एक बॉडी कोई भी कंसीडर करो, अर्थ को भी कंसीडर कर लो दूसरा बॉडी। तो किसी भी दो बॉडी को बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसको हम ग्रेविटेशन बोलते हैं, फिनोमेना ऑफ ग्रेविटेशन बोल सकते हो। ओके, सो इसको आप अच्छे से समझ गए, होपफुली आप लोग अच्छे से इसको समझ पाए हो। सो यहां से हम आगे बढ़ते हैं। तो ये न्यूटन साहब ने ये दिया था, उन्होंने ऐसा माना जाता है कि वो एक पेड़ से एप्पल को गिरते हुए नीचे देखा, तो उनके दिमाग में आया एप्पल क्या हमेशा नीचे ही गिरता है, क्यों नहीं गिरता, ऊपर क्यों नहीं जाता। तो फिर देखा कि नहीं, एप्पल तो हमेशा नीचे ही गिरता है, तो जब एप्पल नीचे गिरता है भाई, तो ये मून क्यों नहीं गिर के आ जाता, सन क्यों नहीं अर्थ पे गिरता, मून और सन भी तो ऊपर दिख रहा है हमें। तो उन्होंने फिर इसको एनालाइज किया, बहुत एनालाइज किया, ये सबसे ज्यादा मतलब कि इस थ्योरी को सबसे ज्यादा मतलब कि इनोवेटिव फिनोमिनल माना गया है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। सारी मशीनरी ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के आने के बाद ही जो एक मशीन रिवॉल्यूशन जो हुआ, जिसको मशीन इरा बोला जाता है, उसमें बहुत सारे मूवी भी बने। तो जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, तो सारे मशीन ज्यादातर जो न्यूटन्स साहब के दिए हुए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को ऑब्वे करता है। ओके, सो ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज भी हम लोग जो है स्पेस क्राफ्ट लॉन्च करते हैं, या फिर मिसाइल लॉन्च करते हैं, या सैटेलाइट एस्टेब्लिश करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, उसमें बहुत ज्यादा उसका कंसिडरेशन किया जाता है, उनके थ्योरी पे ही बेस्ड जो है सारा कैलकुलेशन होता है। और ये आजकल तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है थ्योरी गिवन बाय न्यूटन इज वेरी वेरी राइट। ओके, सो ये बिल्कुल सही था। चलिए अब हम बात करते हैं इसको डिटेल में कि ग्रेविटेशन और क्या क्या होता है। तो यहाँ पे सिंपली डेफिनेशन होता क्या है ग्रेविटेशन, वो तो हम समझ लिए। ग्रेविटेशन एक टर्म आता है, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में डिफरेंस क्या है। ओके, तो इसको एक बार बोल देते हैं। ग्रेविटेशन कहने का मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट यूनिवर्स का हो सकता है। ओके, अर्थ एंड सन हो सकता है, अर्थ एंड मून हो सकता है, मून और सन भी हो सकता है, मून और जुपिटर भी हो सकता है, मून एंड अदर एनी अदर गैलेक्सी या एनी अदर प्लेनेट और एनी अदर सैटेलाइट हो सकता है। ओके, बट ग्रेविटी की बात करेंगे तो ग्रेविटी में एक ऑब्जेक्ट फिक्स कर देते हैं हम अर्थ। ओके, तो अर्थ के ग्रेविटेशन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। अर्थ के ग्रेविटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। एक ऑब्जेक्ट जो है अर्थ फिक्स हो गया, दूसरा जो है यूनिवर्स का कोई भी ऑब्जेक्ट आप कंसीडर कर सकते हो। तो इसका मतलब सिंपली आप कहेंगे तो अर्थ के ग्रेविटी को हम क्या, अर्थ के ग्रेविटेशन को हम ग्रेविटी बोलते हैं। ओके, और जनरल जो है किसी भी दो ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो उसमें ग्रेविटेशन होगा, बट उसमें एक ऑब्जेक्ट अगर फिक्स हो गया अर्थ, देन उसको हम ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। ओके, और दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, अर्थ पे हो सकता है, या अर्थ के ऊपर या बाहर या यूनिवर्स में कहीं पर भी हो सकता है, बट एक अगर अर्थ है तो उस ग्रेविटेशन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं। सो इसको आप याद रखेंगे, ग्रेविटेशन हो गया, समझ लिए आप लोग। चलिए तो बात करते हैं ग्रेविटी का। तो ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी जो होता है, ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ याद रखेंगे, ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, सिंपली इतना याद रखेंगे, काम चल जाएगा हमारा, ये पूछा नहीं जाएगा, नाइन्थ में आपने पढ़ रखा होगा डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन। ओके, और कह सकते हो ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ इज नोन एज ग्रेविटी, इज नोन एज ग्रेविटी। सो ये हो गया है यहां तक, अब इससे हम आगे बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे आते हैं। ओके,
सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन एनी टू बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, दो स्टेटमेंट याद रखेंगे क्या? पहला जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। सपोज यहां पे एफ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स को डिनोट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेस एम वन एम टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। सपोज की दो बॉडी है, एक बॉडी को हम बोल दें ए और दूसरा बॉडी है हमारा बी, और दोनों के बीच का सेपरेशन है आर, इसका ए का मास है एम वन बी का मास है एम टू, देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन ए एंड बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ ए टाइम मास ऑफ बी, दैट इज एम वन टाइम एम टू। इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे या आपने नाइन्थ में भी पढ़ा होगा। दूसरा, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, स्टेटमेंट टू, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन, बिटवीन द बॉडी, दैट इज एफ इज प्रोपोर्शनल टू वन बाय आर स्क्वायर। So, अगर हम इसको एक बार पॉज करके चेक कर लीजिए, इस दोनों स्टेटमेंट को हम कंबाइंड करेंगे, तो हमें क्या है, न्यूटन्स लॉ, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो हम कैलकुलेट कर पाते हैं। ओके, सो दोनों स्टेटमेंट को जब हम कंबाइंड करते हैं तो इसको हम मिटा रहे हैं। एक बार पॉज करके आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो इसमें कुछ खास नहीं है, इसको एज इट इज रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स एफ इक्वल टू सम कांस्टेंट, को जी बोला जाता है, एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर। वी कैन राइट एट ग्रेविटेशनल फोर्स एज जी टाइम मास ऑफ ए टाइम मास ऑफ बी ओवर स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी। ओके, दैट मीन सिंपली आप इसको पढ़ें तो एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर। ओके, सो ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। याद रखेंगे जी क्या होता है। यहां पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिए अगर हम बात करें तो इक्वेशन में कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी
प्रोपोर्शनलिटी एंड इज नोन एज यूनिवर्सल, याद रखेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। अब बात करेंगे हम इस कैपिटल जी को, हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। ओके, सो इसको यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं, यहीं पे आता है बात। तो यूनिवर्सल इसलिए बोलते हैं कि नेचर ऑफ फोर्स जो है, दो बॉडी का अगर फोर्स जो है मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है, मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है। और दूसरा जो है, अगर मान लो दो बॉडी को हम अर्थ के बीच में, अर्थ पे रख के उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट करें, या फिर एक बॉडी को अर्थ पे ले जाए दूसरे को हम जाके मार्स पे रखा है देन कैलकुलेट करें, तो ओनली जो है सेपरेशन के कारण उस पे चेंजेज आएगा, बाकी ये ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जो है ये जी का वैल्यू चेंज नहीं होगा। कैपिटल जी का वैल्यू आप पानी में ले जाओ, एयर में ले जाओ, या फ्री स्पेस में ले जाओ, अगर सेपरेशन और मास इक्वल है तो कैपिटल जी का वैल्यू चेंज नहीं होगा। ओके, चाहे पूरे सेटअप को मार्स पे ले जाओ, चाहे जुपिटर पे ले जाओ। ओके, सो जी का वैल्यू चेंज नहीं होता है, सब जगह क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। सो वैल्यू ऑफ जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, याद रखेंगे वैल्यू ऑफ जी इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम एंड डजंट चेंज इफ वी चेंज प्लेस। ओके, सो प्लेस के चेंज करने से, अगर आप अर्थ पे हो और जुपिटर पे चले गए तो भी जी का वैल्यू, कैपिटल जी का वैल्यू चेंज नहीं होगा। ओके, सेपरेशन चेंज हो सकता है लेकिन कैपिटल जी का वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है जी, जी का वैल्यू यहीं पे, ये फोर्स न्यूटन है, जी का वैल्यू जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है, हमें याद रखना पड़ता है, 6.67। ओके, 10^-11 होता है, याद रखेंगे ये ऑर्डर 10^-11 होता है। और ये क्या होगा, ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे मैं तो लिख दूंगा तो भूल जाओगे, तो हमेशा ध्यान रखेंगे यूनिट डायमेंशन आप पढ़ रखे हो, तो इसका ऐसा यूनिट अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आसानी से चेक कर सकते हो। जी अगर हम लिखेंगे तो जी को क्या लिख सकते हैं, जी को हम लिख सकते हैं एफ इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम वन एम टू लिख सकते हैं। ओके, सो ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो ऐसा यूनिट जो हो जाएगा, ऐसा यूनिट फोर्स का होता है न्यूटन, और आर सेपरेशन है तो इसका मीटर होगा, सो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और मास का केजी होता है ऐसा यूनिट, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम, किलोग्राम। अब इसमें बहुत बार जो है आपको मेंस लेवल पे इसके डायमेंशंस का रिक्वायरमेंट पड़ जाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला का, तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला भी आपको काउंट करना आता ही है, सो हम इसको यहां पे काउंट कर लेते हैं। ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करेंगे तो यहीं पे देख लो, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा ऑफ कैपिटल जी की बात करेंगे तो कैपिटल जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, फोर्स का होता है न्यूटन एम एल टी माइनस टू, जानते हो आप लोग, आर जो है लेंथ है तो एल स्क्वायर हो जाएगा, जानते हो आप लोग, मास इंटू मास है तो एम
इंटू एम, जिसको एम स्क्वायर बोल सकते हैं। सो ये हो गया। अब रीअरेंज करेंगे तो m इज टू माइनस वन एंड l क्यूब एंड t इज टू माइनस टू। ओके, सो डायमेंशन ऑफ मास जो है माइनस वन, डायमेंशन ऑफ लेंथ इज थ्री एंड डायमेंशन ऑफ टाइम इज माइनस टू। एक बार देख लो। सो आपसे पूछेगा अगर व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास इन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देन इट इज माइनस वन। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, देन इट इज थ्री। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम इन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इट इज माइनस टू। वी कैन राइट इट एज। सो इतना हम लोग जानते हैं, इसको वापस से लिखने की जरूरत नहीं है। सो इस पे हम बातचीत यहां पे रोक देते हैं। अब आते हैं अगेन फोर्स पे, अगेन जो है फोर्स पे आते हैं। याद रखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स एस जो है जी का वैल्यू क्या होता है, 6.67 इंटू 10^-11। 10^-11 इज वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, सो इट इज अ वेरी वीक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी वीक फोर्स एंड इट इज ऑलवेज इन अट्रैक्टिव नेचर। ओके, इट इज ऑलवेज इन अट्रैक्टिव नेचर, हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होगा। बट इसका अगर बात करेंगे मैग्नीट्यूड तो वेरी वेरी वीक फोर्स है। जनरली अगर एक बॉडी का मास, एक बॉडी का भी मास कम है तो उसके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स जो हो जाएगा बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाएगा। हमारा मास सिग्निफिकेंट है, अर्थ का मास तो ह्यूज है हमारे कंपैरिजन में, इसीलिए हम अर्थ से क्या होता है चिपके रहते हैं। ओके, सो अर्थ पे हम लोग क्या होता है चिपके रहते हैं। सो इस केस में क्या होगा, याद रखें ग्रेविटेशनल सारे जो चार फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ते हैं उसमें सबसे वीकेस्ट फोर्स जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीक फोर्स एंड वीकेस्ट इन फंडामेंटल फोर्सेस। बेसिकली ये हम लोग चार फंडामेंटल फोर्सेस की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो कि हम न्यूक्लियर रिएक्शन में देखा जाता है, वीक न्यूक्लियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, और उसके बाद जो होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ओके, सो ऑर्डर जो होता है उसमें भी याद रखोगे, सबसे पहले जो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये जो होता है ग्रेटर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कम 10 लाख टाइम्स जो होता है स्ट्रॉन्गर होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और ये जो होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होगा इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इट मीन ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, आप डायरेक्ट यहीं पे इसको ऑर्डर में लिख सकते हो, मुझे स्पेस नहीं मिला था। सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गर होगा, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स, और वीक न्यूक्लियर फोर्स के बाद आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सो बेसिकली न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड इसका कंपैरिजन करें, अगर हम दो इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है और दूसरा जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, दोनों में सेपरेशन इक्वल होगा, एक मास पे डिपेंडेंसी होगी, दूसरे क्या होगी चार्ज पे डिपेंडेंसी होगी,
आगे जब हम इस चैप्टर के बाद पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही पढ़ेंगे, उसमें दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो इस केस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में 10 का पावर 42 टाइम्स जो होता है अप्रोक्सीमेटली स्ट्रॉन्गर होता है। ओके, ये वाला फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दो इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से 10^42 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है, मतलब कि ये ह्यूज 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 हो जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो। ओके, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इसको आप याद रखेंगे, इसको जी ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीक फोर्स एंड वीकेस्ट इन फंडामेंटल फोर्स। तो यहां तक आप लोग होपफुली समझ गए होंगे, हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे ही बात करेंगे। तो एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है, नाइन्थ में ही पढ़ा होगा, ये क्या है, मान लो कि अर्थ है और ये क्या है, मून है जी, मून है। ओके, सो अर्थ जो है मून को इधर खींचेगा, मून भी अर्थ को इधर खींचेगा, कहेगा क्या कि अगर अर्थ जो है मून को, अर्थ जो है मून को एफ फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है तो मून अर्थ को कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। ऑप्शन दे देगा, एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे, आपसे बोला जाएगा कि अगर अर्थ जो है मून को एफ फोर्स से, एफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है तो मून अर्थ को कितने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, और आपको ऑप्शन भी दे देगा 2F, दूसरा F/2, तीसरा इक्वल F, चौथा F/4F, ऐसा कुछ भी कर देगा। तो आप पहले ही पर रखे होते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, कहा लॉ ऑफ मोशन, ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर रहे, लॉ ऑफ मोशन में ही पढ़ रखे होते हैं कि जो भी रियल फोर्स, थर्ड लॉ जो है न्यूटन साहब का, थर्ड लॉ जो है कि जो भी रियल फोर्स होता है वो पैर में एग्जिस्ट करता है, पैर में रियल फोर्सेस जो होंगे पैर में एग्जिस्ट करेगा, हमेशा जोड़े में एग्जिस्ट करता है, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होता है, अपोजिट इन डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन मतलब कि आप दोनों फोर्स कभी एक ही बॉडी पे एक्ट नहीं करेगा, एक फोर्स जो है एक बॉडी पे करता है तो दूसरा फोर्स दूसरे बॉडी पे करता है, ठीक है, मतलब कि जनरली उसको एक्शन रिएक्शन बोला जाता है बट उसमें डिफरेंशिएट, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग मिस कर जाते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ते टाइम, उसमें एक्शन रिएक्शन पैर होता है लेकिन उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये वाला एक्शन है, अर्थ वाला जो है एक्शन है और मून वाला रिएक्शन है, ऐसा नहीं होता है, दोनों एट ए इंस्टेंट एक ही टाइम पे क्या होता है जब इंटरेक्ट करता है तो दोनों एक दूसरे पे एट ए इंस्टेंट एट ए मोमेंट एकदम साइमल्टेनियसली इंस्टेंटेनियसली फोर्स एग्जर्ट करेगा। ओके, सो इस दोनों में से हम किसी को भी एक्शन एज्यूम कर सकते हैं, किसी को भी रिएक्शन एज्यूम कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, फोर्स जो पैर जनरेट होता है उसमें अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे कि इसमें हम ये नहीं कर सकते ये एक्शन है ये रिएक्शन है या फिर ये एक्शन है ये रिएक्शन है, इसमें हाँ ये कंसिडर कर सकते हैं, मान लेते हैं कि इसको एक्शन मान लेते हैं तो ये रिएक्शन होगा और ये रिएक्शन अगर है तो ये एक्शन हो जाएगा। ओके, सो इस केस में जैसे कि अर्थ और मून है तो फोर्स हमेशा पैर में एग्जिस्ट करता है और इक्वल मैग्नीट्यूड का होता है, अपोजिट इन डायरेक्शन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो होगा आंसर क्वेश्चन नंबर आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इसमें क्वेश्चन अगर नोट करना चाहेंगे, इफ अर्थ अट्रैक्ट मून विथ फोर्स एफ देन मून इज अट्रैक्टिंग
अट्रैक्टिंग अर्थ विथ फोर्स। इस तरह से आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आंसर जो होगा 3F अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है बच्चे, यहां समझ गए आप। अब हमने बात किया रिगार्डिंग ग्रेविटेशन, हमने बात किया रिगार्डिंग ग्रेविटी, हमने बात किया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या होता है, उसके अलावा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बात की, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, SI यूनिट, एंड देन जो है नेचर ऑफ फोर्स की रिगार्डिंग हमने बात किया। सो नेचर ऑफ फोर्स न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ही पढ़ते हैं अभी, तो जो वहां पे पढ़ते हैं वही सारा चैप्टर में एप्लीकेबल होगा फोर्स के नेचर के रिगार्डिंग। ओके, रियल फोर्स अगर होगा तो। सो इसको हम यहां तक स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आते हैं आपको लेके ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी और जी के रिगार्डिंग। ओके, सो यहां तक गेन कर लिए होंगे, इसको एक बार रिकॉल कर लीजिए एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रिपेयर कीजिए अपने आप को। और ये वीडियो जो है, दो तीन वीडियो आपको जो जा रहा है उसको आप लगातार देखेंगे, जो भी ग्रेविटेशन को लगातार देखते रहना है। ये नहीं कि आज देख लिए एक फिर परसों देखेंगे फिर एक एक महीने बाद देखेंगे, ऐसा मत कीजिएगा। सब लोग लगातार देखोगे तो आपको एक जैसे विंजे वाचिंग करते हैं सीरीज मूवी ये सब, वैसे ही पढ़ाई वाला वीडियो भी विंजे वाचिंग में आना चाहिए। ओके, सो थैंक यू, फिर मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।